नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौलजी में। तो दोस्तों, आपको मैथ की क्लास मिल रही है, उसी को हम आगे बरकरार रखते हुए तो आज हम मैथ का प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो दोस्तों, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो आपको करने हैं। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगाते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कर दें। तो क्वेश्चन लगाते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन को देखें, पढ़ें इस क्वेश्चन को, क्या दिया हुआ है। व्यंजक, दोस्तों ये एक व्यंजक दिया हुआ है, 6n+3 - 32 6n+1 / 6n+2 - 2.6n+1 का मान होगा। तो दोस्तों, अब आपको ये सॉल्व करना है, तो इसको आप सॉल्व करो। तो किस तरीके से होगा, तो दोस्तों ये व्यंजक है 6n+3 - 32 6n+1 / 6n+2 - 2 / 6n+1। अब आपको दोस्तों बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, तो दोस्तों अब हम इसको कॉमन निकालते हैं। इसमें से क्या आ जाएगा, 6n+1 कॉमन आ गया। यहाँ पर क्या बचेगा, 6 की पावर 2। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, पावर ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई में। अब यहाँ पर क्या बचेगा, 32। क्या बचा, 32। अब नीचे से भी कॉमन ले लेते हैं दोस्तों, क्या 6 की पावर n+1। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 6, क्योंकि इसकी पावर एक ही तो है 6 की। जब इन दोनों मल्टीप्लाई होगा तो n+2 हो जाएगा। अब यहाँ पर -2, और ये तो हमने कॉमन ले लिया। अब ये दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, ये हो जाएगा 36, और यहाँ पर ये 32, और ये कितना बचा, 4। इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो दोस्तों ये कितना बचेगा, यहाँ पर 4, और यहाँ पर भी 4, तो 4 से 4 कैंसिल, तो 1 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन डी। दोस्तों इसमें हमसे ये पूछा था कि इस पूरे को हल करके क्या आएगा, तो इसका आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 1। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें। तो दोस्तों एक क्वेश्चन है कि x²-4 / x+1 / 2x+2 / x - 2 का गुणनफल होगा। अब दोस्तों इसमें आपको क्या करना है, गुणनफल करना है, यानी कि गुणा करना है। तो x²-4 / x+1 और गुणा करना है, तो गुणा का चिन्ह लगा लेते हैं। यहाँ पर 2x + 2 / x - 2। तो अब ये तो आपको पता है x², x²-y² लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, तो x + y और x - y नहीं है, ये 4 है दोस्तों, ये क्या है, 4 दिया हुआ। तो हम ऐसे तो होता है एक फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ, x - y², तो x + y और x - y, ये वाला दोस्तों आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये जरूर यूज होता है। अब यहाँ पर x + 1 / यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या बचेगा, x + 1 और ये x - 2। दोस्तों यहाँ पर ये 4 ना होकर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर 4 को हम यही तो लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो दोस्तों ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारा इससे कैंसिल हो गए, बचा क्या, 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। दोस्तों देखेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई, तो 2x + 4, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन डी में हमारा बिल्कुल आंसर राइट दिया हुआ है। तो दोस्तों इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ें ध्यान से और आंसर दें। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, 729 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है, इसमें कितना पानी मिला दिया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाए। तो दोस्तों हमारे पास मिल्क और वाटर का क्या रेशो दिया हुआ है, 7:2। अब क्या मिलाया जा रहा है दोस्तों, पानी मिलाया जा रहा है, तो मिल्क तो ऐसा ही रहना चाहिए, और यहाँ पर ऐसा ही है, बिल्कुल सेम दिया हुआ है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि कितना पानी मिलाया जा रहा है, तो हम यहाँ पर देखें तो कितना मिला है, एक यूनिट ही तो मिला है, लेकिन
इन दोनों को टोटल करेंगे तो कितना आ रहा है ये 9, लेकिन 9 नहीं है दोस्तों, टोटल कितना दिया हुआ मिश्रण 729 लीटर, कितना है 729 लीटर, कितने गुना ज्यादा हो जाएगा दोस्तों 81 गुना ज्यादा। तो फिर पानी भी हमने एक न मिलाकर कितने 81 का इसमें मल्टीप्लाई, तो 81 लीटर पानी हमने मिला है दोस्तों। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को सॉल्व करें दोस्तों। क्वेश्चन दिया हुआ है दो शहर ए और बी एक दूसरे से 360 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए तक लौट आती है, कार की औसत चाल क्या है। अब दोस्तों इसमें क्या पूछा, औसत चाल, तो हमको दूरी से कोई मतलब नहीं है, दूरी से कोई मतलब है, दूरी से तो दोस्तों कोई मतलब होना नहीं चाहिए, क्यों, 2xy x प्लस वाई ये लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं नहीं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो दोस्तों इससे ही हम करते हैं, तो 40 गुणा कितना दिया हुआ 60 मल्टीप्लाई 2, दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 100, जीरो से ये जीरो से ये, तो ये कितना होगा 8 × 48 किलोमीटर प्रति घंटे दोस्तों इसकी हो जाएगी चार, यानी कि ऑप्शन बी। अगर दूरी से भी करना है तो दोस्तों किस तरीके से हो जाएगा, ये 360 दिया हुआ है, तो पहले गया वो कितने की स्पीड से 40 की से, तो कितना समय लगेगा, इसको इससे काट देंगे तो कितना होगा दोस्तों 9 घंटे, और वापस कितने की से आया 60 की से, कितना समय लगा 6, यानी दोस्तों टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 720 और टाइम टोटल कितना लगा 15, तो अब 15 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 15 × 60 बचे 12, 15 × 120, तो दोस्तों इससे भी एकदम सेम आया। जब हमको ये चीज पता है तो इससे ही हम कर सकते हैं दोस्तों। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ें ध्यान से और आंसर दें दोस्तों। क्वेश्चन दिया हुआ है किसी कक्षा में 35 विद्यार्थियों की औसत आयु 18 वर्ष है, यदि शिक्षक की आयु को जोड़ा जाता है तो कक्षा की औसत आयु 19 हो जाती है, तब शिक्षक की आयु क्या होगी। दोस्तों 35 विद्यार्थी हैं, औसत आयु कितनी है उनकी 18 वर्ष, तो एक शिक्षक जुड़ गए दोस्तों, हम मान लेते हैं कि उनकी आयु 18 वर्ष, तो वो लेकर ही आएंगे जब तो 18 ही रहेगा, लेकिन कितना हो गया 19 हो गया औसत, कितना एक बढ़ गया औसत, एक ही तो बढ़ेगा, क्यों कि दोस्तों 19 हुआ तो इन सब के एक एक लेकर आए वो, इन 35 लोगों का एक एक लेकर आए, सबका 19 19 होगा जब तो होगा, तो यानी कि 35 तो ये लेकर आए और अपने लिए भी 19 लेकर आए, तो टोटल मिलाकर कितना हो गया, तो ये 54 दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, कितना 54 वर्ष, ऑप्शन ए दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ें दोस्तों। क्वेश्चन दिया हुआ है एक साइकिल के पहिए का व्यास 28 मीटर है, 66 किलोमीटर चलने में यह कितने चक्कर लगाएगा। दोस्तों एक साइकिल का पहिया है, उसका व्यास कितना दिया हुआ है, यानी वृत्त में होता है दोस्तों इस तरीके से साइकिल का पहिया, तो जो डायमीटर है वो कितना दिया हुआ है 28 मीटर, दोस्तों त्रिज्या यानी कि रेडियस कितनी हो जाएगी 14 मीटर। तो अब जो दूरी चलेगा दोस्तों, इसका हमने आपको फॉर्मूला बताया था 2πr और n, इसमें दोस्तों 2πr तो जो परिधि है पहिए की वो हो जाएगी और n कितने चक्कर लगा रहा है वो, तो ये बराबर किसके होता है दूरी के, तो दोस्तों दूरी कितनी दी हुई है यहाँ पर 66 किलोमीटर, लेकिन यहाँ पर बात किस में हो रही है मीटर में, तो किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं पाई की दोस्तों 22/7, आर की 14 है और एन हमको निकालना है, ये कितना 66 × 1000, तो अब यहाँ से इसको काट देंगे 2 और इस 22 से दोस्तों ये कट जाएगा 3 बार, तो अब बचा हमारा क्या एन बराबर दोस्तों 3 × 1000 ये कितना हो जाएगा 4 को जब इससे काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 250 और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 750 दोस्तों। ऑप्शन में दिया हुआ है या नहीं,
देखें तो ऑप्शन डी में बिल्कुल राइट आंसर दिया हुआ 750। तो ऑप्शन डी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, पहले भी लिखवा दिया था और फिर दोस्तों लिखवा रहे हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर, पढ़ें क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा वृत्त पर खींची जाती है, स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों एक वृत्त है, उसका केंद्र है यहां पर, तो अब त्रिज्या कितनी है उसकी, 6 सेंटीमीटर ही तो है। अब इस केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर पर एक बिंदु है, तो दोस्तों यहां पर कोई बिंदु होगा 10 सेंटीमीटर दूर पर, इसको हम P मान लेते हैं। यहां से दोस्तों एक स्पर्श रेखा खींची गई, तो स्पर्श रेखा इस तरीके से जाएगी, इस तरीके से तो जाएगी दोस्तों, तो यहां पर ये टच करेगी, तो ये P पॉइंट है, इसको मान लेते हैं, इसको O मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं A। तो हमसे पूछा क्या है कि स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है, यानी कि दोस्तों हमसे पूछा क्या है कि AP की लंबाई हमसे पूछी है। तो अब यहां पर क्या बनाता है दोस्तों, स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 का कोण। तो अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, नहीं लग जाएगी, बिल्कुल ये कितना है 10। तो अब यहां पर ये क्या हो गया दोस्तों, ये इसका बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, तो 10 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर प्लस पी यानी कि 6 का स्क्वायर। तो अब दोस्तों ये कितना हो गया 100 और ये बी स्क्वायर प्लस 36, तो बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा 64, तो बी बराबर क्या आ जाएगा 8। दोस्तों इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 8 सेंटीमीटर। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कौन से ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन डी में। अगर दोस्तों आपको ट्रिपल एट याद है, 6 8 10 वाली, 3 4 5 वाली होती है, 2 का गुणा कर दें इसमें, जब ही तो ये हो जाएगी, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि संख्या 2055 में कौन सी लघुत्तम संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिससे वह 27 से ठीक ठीक विभाजित हो जाए। दोस्तों 2055 है, अब इसमें हमको भाग किससे देना है, 27 से, और पूरी तरीके से भाग जाना चाहिए, तो वो संख्या क्या जोड़नी चाहिए। तो भाग दे लेते हैं पहले इसमें, 27 का भाग दे, तो क्या आएगा दोस्तों, तो बताएं किसका दें, तो 6 का गुणा करके देंगे, 27 6 7 42 और ये 12 और 4 16 हो जाएगा। तो अब यानी कि 7 का भी भाग इसमें चला जाएगा, किसका दोस्तों, 7 का देखकर देखते हैं, तो ये हो गया 7 7 49 और 7 2 14 14 और 4 18। अब इसको इसमें से घटा दें, कितना बचेगा, 6, यहां पर कितना रह गया, 9 9 से 1 बचा और यहां पर ये 5। अब ये कितनी बार जाएगा दोस्तों, ये 6 बार चला जाएगा यहां पर, तो 7 6 42 और 12 और 4 16, कितना बचा, 3। दोस्तों 3 तो इसमें है, 3 तो इसमें है, अब हमको क्या और जोड़ना चाहिए, क्योंकि 27 बनाना पड़ेगा तभी तो पूरी तरीके से जाएगा, तो 3 को हम निकाल देंगे तो हमको पता चल जाएगा किसकी कमी है। 27 बनाने के लिए, 3 को दोस्तों 27 बनाने के लिए 24 और इसमें जोड़ना पड़ेगा, तो यानी कि ऑप्शन बी दोस्तों इसका हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप इसमें 24 जोड़ देंगे तो पूरी तरीके से दोस्तों ये भाग चला जाएगा। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ, क्वेश्चन को पढ़ें। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, ए और बी किसी कार्य को मिलकर 6 दिनों में कर सकते हैं, यदि ए उस कार्य को अकेले 18 दिनों में पूरा कर सकता है तो बी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। दोस्तों ए और बी मिलकर कर रहे हैं, ए और बी मिलकर कितने दिन में, 6 दिनों में कर सकते हैं, यदि ए उस कार्य को अकेले 18 दिन में, यदि ए अकेले उसको 18 दिन में कर रहा है तो बी उस काम को दोस्तों कितने दिनों में करेगा। तो दोनों का हम निकाल लेते हैं एलसीएम, तो क्या आ गया 18, ये दोनों मिलकर 1 दिन में 3 काम और ये अकेला 1 काम। दोस्तों जब ए 1 दिन में 1 काम कर रहा है और दोनों मिलकर 3, तो बी कितना करेगा, तो बी 2 काम कर रहा होगा, जब तो 3 होंगे, तो दोस्तों 18 काम को करने में 1 दिन में अगर 2 कर रहा है तो
तो कितना समय लग जाएगा, 9 दिन लग जाएंगे, तो 9 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ें और इसका आंसर दें। तो दोस्तों ये ग्राफ दिया हुआ है, तो इसको आप पढ़ें, ग्राफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आ सकता है आपका, पूरी संभावना है क्वेश्चन दोस्तों इसका आने की, तो ये आपको आना चाहिए। तो दोस्तों पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित वारंवारता बहुभुज का अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। निम्न रेखा ग्राफ में एक स्कूल में वर्ष 2008 से 2013 तक के वर्षों में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई है। क्या दोस्तों, एक तरफ उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई है, 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 इस तरीके से। दूसरी तरफ दोस्तों वर्ष दी हुई है 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013। तो अब हमसे क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन क्या है इसको ध्यान से पढ़े, क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़े। पहले हमने ग्राफ समझ लिया किस तरीके से है, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, वर्ष 2008, 2009 और 2012 में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या का औसत लगभग क्या था। दोस्तों 2008 में कितना दिया हुआ है, 110, अब इसमें जोड़ेंगे हम, 2009 में कितना है तो 138, और 2012 में बोल रहा है तो 2012 में कितना, 156। तो तीनों को हम जोड़कर 3 का कर देंगे बार, आ जाएगा हमारा क्या औसत। तो जोड़ते हैं 6 और 8 कितने हो गए, 14 के 4 आंसर 1, 2, 2 और 3 5 और 5 10 आंसर 1, 2, 3, 4 404 आ गया। 3 से इसको काटेंगे तो 3 एकम 3 बचे कितने, 1 यानी कि 10 और ये 12 और ये 6 7 यही हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। तो अब ऑप्शन कौन से में दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। तो चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पर। तो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पढ़ें क्वेश्चन को दोस्तों। क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्ष 2008 से 2011 तक का उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशतता में लगभग कितनी वृद्धि हुई। दोस्तों 2008 से 2011 की बात हो रही है, तो 2008 में कितना है, 110 और 2011 पर कितना पहुंच गया, 170। तो कितनी वृद्धि हो गई, 60 की। तो 60 की वृद्धि किस पर हुई है दोस्तों, 2008 की तो बात हो रही है, 110 परसेंटेज के लिए 100, 0 से ये 0 कैंसिल, कितना हो गया 600 में 11 का भाग कर दें तो ये 5 भाग गया 55, बचे कितने 5, 0 ये 4 भाग गया तो 44, बचा कितना 6, फिर दोबारा से यही आ जाएगा दोस्तों, तो ये हमारा हो जाएगा 54.54%। यानी दोस्तों कौन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। तो इस तरीके से दोस्तों आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को करते हैं हम यहीं पर समाप्त। तो आपको क्वेश्चन कैसे लगे ये जरूर बताएं कमेंट करके, और वीडियो कैसी लगी दोस्तों ये भी बताएं, और आपका स्कोर क्या रहा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।